हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझेंगे। ये आपका जो चैप्टर 8 है साइंस का, फोर्स एंड प्रेशर, उसका ये पार्ट है। तो आप लोग 7th क्लास में समझा था कि हमारी जो धरती है उसके चारों ओर गैसेस हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर, ये आपने सब सीख रखा है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर वगैरह हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो गैसेस हैं इन तीन लेयर्स में है, करीबन 100 किलोमीटर की हाइट तक। इसमें क्या होता है, 78% है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन और 1% में अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। पर ये सब गैसेस धरती के आसपास क्यों बंधी हुई है जैसे किस्म की, ये है धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको गैसेस को बांध कर रखे हुए है धरती के आसपास। ये हमारी धरती है, तो इसके चारों ओर जो गैसेस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी है जो धरती की, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो उसको नीचे खींच कर रखती है, हर ओर से खींच कर रखती है, धरती से दूर जाने नहीं देती इनको। तो इस एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर है। क्यों प्रेशर है, क्योंकि हवा का वजन है, जैसे हर चीज का वजन होता है, हर सॉलिड का, जैसे ये बुक है, बुक का वजन है, आप दूध लेने जाते हो उसका भी वजन होता है, तो ऐसे गैसेस का भी वजन है। क्योंकि जैसे सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, ऐसे ही गैसेस भी मॉलिक्यूल्स की बनी हुई हैं, तो हर मॉलिक्यूल का वजन है, वेट है, उस वजन के कारण हमारे पे इसका दबाव पड़ता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि हमारे सर के ऊपर एक हवा, हम यहाँ खड़े हैं, मान लो ये सारी हवा है, तो हमारे सर के ऊपर ये जो वायु है पूरा एक सिलेंडर सा बन जाएगा, ये मान लो जी हमारा हेड है, तो ये जो वायु है चारों तरफ फैली हुई है, अगर हम मान लें तो हमारे ऊपर एक वायु का सिलेंडर सा खड़ा है 100 किलोमीटर ऊंचाई है, तो ये सारी गैसें जो है हमारे सर पे दबाव डाल रही हैं। कितना दबाव है, ये दबाव है लगभग 225 kg। पर ये सिर्फ सिर पे नहीं है, शरीर के हर भाग पे हवा दबाव डाल रही है, चारों ओर से हमारे शरीर पे हवा का दबाव पड़ता है, लेकिन हमें हम उस दबाव को महसूस क्यों नहीं करते। इसलिए महसूस नहीं करते कि हमारे शरीर के अंदर भी उतना ही दबाव है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। हवा अंदर दबाती है और ये जो अंदर का दबाव है ये हमारा, मान लीजिए शरीर है, तो ये शरीर बाहर दबाव डाल रहा है, अंदर दबाव डाल रहा है, तो बैलेंस हो जाता है, तो हमें इसका दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन दबाव है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बार देखा होगा आपके पास वो रबर के होते हैं, उनको कहते हैं रबर सकर्स, वो ऐसे गोल शेप में होते हैं। अगर आप किसी दीवार पर या किसी चीज पर इस सक्कर को दबा दें और अंदर से सारी हवा को खत्म कर दें दबाकर, मतलब
दीवार या इस बोर्ड, किसी बोर्ड पे चिपकाया हुआ है, बोर्ड और शक्कर के बीच में हवा बिल्कुल नहीं रहे, तो उसका मतलब क्या होगा कि अंदर में कोई हवा नहीं है, अंदर से बाहर की तरफ कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ बाहर का प्रेशर है, तो बाहर का प्रेशर होने से चिपक जाएगा उसके साथ में। और एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया कि दो मेटल के हेमिस्फीयर जानते हैं, जैसे एक बॉल है, फुटबॉल है, इसको बीच में से हम काट दें तो ये दो भाग बन जाएंगे, ये तो ये एक हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये दूसरा हेमिस्फीयर हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा बॉल बन जाएगा, फुटबॉल मान लीजिए, फुटबॉल के हमने दो पीस कर दिए, तो ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा बॉल बन जाएगा। उसने मेटल के दो हेमिस्फीयर बनाए, उनका डायमीटर था 51 सेंटीमीटर, ये जो डायमीटर है 51 सेंटीमीटर था, ये दोनों अलग भाग हैं लेकिन बिल्कुल जुड़ जाते हैं, जुड़ने से एक मेटल का बॉल बन जाएगा जिसका डायमीटर होगा 51 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या किया कि एक मशीन लगाकर, एयर पंप लगाकर अंदर की सारी हवा निकाल दी, अंदर टोटल वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है। अब क्या हुआ, जब अंदर हवा नहीं रही तो अंदर हवा बाहर की ओर प्रेशर नहीं डाल रही, तो सिर्फ प्रेशर क्या है, बाहर से है, एटमॉस्फेयर का, जो एटमॉस्फेयर है उसको दबा के रखा हुआ है, दोनों भागों को चिपका दिया है। अगर अंदर हवा होती तो ये चिपकते नहीं, क्योंकि अंदर की हवा और बाहर की हवा का प्रेशर बराबर होता, लेकिन चूंकि अंदर कोई हवा नहीं रही तो अंदर से बाहर की ओर कोई दबाव नहीं है, सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ दबाव है, तो बाहर से जब अंदर की ओर दबाव है, दोनों जो पार्ट्स चिपक गए। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे रस्से से 8 घोड़े बांधे, और यहाँ से रस्से से 8 घोड़े बांधे, 8 हॉर्सेस, यहाँ भी 8 हॉर्सेस, तो 8 घोड़ों ने इधर खींचा, 8 घोड़ों ने इधर खींचा, लेकिन फिर भी ये खुला नहीं, मतलब बाहर का प्रेशर इतना स्ट्रांग है एटमॉस्फेयर का कि एक भाग जो हेमिस्फीयर का है, दूसरा भाग जो हेमिस्फीयर है, दोनों भागों को 8-8 घोड़ों ने खींचा और ये हेमिस्फीयर खुला नहीं, इसको सिर्फ जोड़ रखा है, स्क्रू से बंद नहीं कर रखा, जोड़ रखा है, जोड़ के हवा निकाल दी है, बिल्कुल टोटल वैक्यूम, मतलब सारी की सारी हवा निकाल दी ताकि अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो जाए। तो अंदर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो गया, बाहर के दबाव के कारण ये दोनों चिपके रहे। 16 घोड़ों ने खींचा, 8 घोड़े इधर, 8 घोड़े इधर, पर इसको खोल नहीं पाए। तो इतना अधिक दबाव होता है एटमॉस्फेयर का जो हर चीज़ पर पड़ता है, लेकिन हम महसूस क्यों नहीं करते, या बाकी जो साधारण पशु प्राणी जो धरती पर रह रहे हैं वो महसूस क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर जो से दबाव है बाहर की ओर वो उसको बैलेंस कर देता है। ये अच्छा, एटमॉस्फेयर को नापते कैसे हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर को, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं, और ये सी लेवल के ऊपर सबसे अधिक होता है, समुद्र की सतह के पास, जिसको हम नॉर्मली 0 फीट कहते हैं, वहां पर ये सबसे अधिक होता है। और जितना हम ऊपर जाएंगे, जैसे मान लो पहाड़ों पर जा रहे हैं, या किसी बैलून में बैठकर ऊपर जा रहे हैं, या वायुयान में बैठकर ऊपर जा रहे हैं, जितना हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। इसलिए कई बार जब आपको मौका मिलेगा वायुयान में सफ़र करने का, अगर आपने कर रखा है तो आपने महसूस किया होगा कि जब आप ऊपर जाते हैं वायुयान में, 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपके कान जो है बाहर की तरफ
आ रहे हैं, अंदर से ऐसे फील होता है कान जो बाहर की तरफ है, जो हमारा ईयर ड्रम से बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वायुयान में प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो बाहर अंदर का प्रेशर अधिक है, वो बाहर की ओर पुश करता है। ये हमारा मान लीजिए शरीर है, ये कान, कानों में आपको फील होगा क्योंकि धरती के ऊपर दोनों बैलेंस हैं, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, शरीर के अंदर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों बैलेंस्ड हैं। ऊपर जाएंगे 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ऊपर धरती से, तो बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर का ज़्यादा होगा, तो कान लगता है जैसे पॉप आउट कर रहे हैं, पॉप आउट करने बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से फील होता है आपको कान बंद हो गए हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर ऑन फोर्स एंड प्रेशर। तो अगले मैं एक वीडियो बनाकर आपके इसके कीवर्ड से फिर से समझा दूंगा, हालांकि सभी कीवर्ड्स इसमें कवर हो गए हैं। उसके बाद में हम फ्रिक्शन का चैप्टर है वो समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस मेरी अच्छी लगी हों तो इन सब वीडियोस को आप देखिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।